जयपुर भारत के पुराने शहरों में से एक, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान राज्य की राजधानी और एक बहुत ही अद्भुत मंदिर जहाँ पे हम आज जाने वाले हैं। सबसे पहले तो वेलकम माय फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट ब्लॉग, तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो आगे भी हम ऐसे ही ब्लॉग्स लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। और चलते हैं हम अपनी जर्नी पे, कैसे हम दिल्ली से जयपुर जाते हैं, वहाँ की जर्नी कैसी रहती है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम निकल पड़े अपने सफ़र पर, ये देखिए नज़ारा, कितना मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। हेलो गाइस, इसीलिए एक और मन करता है जाने का, तो बस आप नज़ारों का लुफ्त उठाते रहिए, मैं आपको ऐसे नज़ारे दिखाता रहूँगा और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मैं आपको जयपुर के पूरे दर्शन ऑलमोस्ट करा ही लूँगा क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको और भी ब्लॉग ऐसे मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो चलिए जी, हम आ चुके हैं हमारे मंदिर में, तो बात करते हैं कि क्या है इस मंदिर की खासियत, इस मंदिर की कहानी क्या है। इस मंदिर की कहानी विचित्र है और साथ ही भगवान हनुमान के काले होने का भी राज आपको चकित कर देगा। दरअसल हमारे पुराणों और शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु थे। एक बार हनुमान जी को भगवान सूर्य को गुरु दक्षिणा देने का मन हुआ। उन्होंने सूर्यदेव से पूछा, हे प्रभु, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि हनुमान, मेरा पुत्र शनि मेरा कहा नहीं सुनता और मेरे पास भी नहीं आता, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरे पुत्र को मेरे पास ले आओ। हनुमान जी ने अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए शनिदेव का पीछा किया। काफ़ी मुश्किलों के बाद जब शनि महाराज हनुमान जी के हाथ लगे तो वह हनुमान जी की गुरु भक्ति के कायल हो गए, हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो गए और कहा, मैं आपकी गुरु भक्ति देख बहुत खुश हुआ हूँ, मैं इस भक्ति की घोषणा करता हूँ कि शनिवार के दिन मेरे भक्तों की मनोकामना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वह मेरी आराधना के बाद आपकी पूजा नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, शनि महाराज की इच्छा अनुसार ही हनुमान जी ने काला रंग भी धारण कर लिया। बात करते हैं इस स्थान की, जयपुर का यह मंदिर इस कहानी का प्रतीक है। यहाँ मंगलवार को तो हनुमान जी की पूजा होती ही है, साथ ही शनिवार को भी यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है, आप जैसे देख ही रहे हैं। आपको बता दें बाकी कि यह मंदिर जल महल के नज़दीक ही है। इस मंदिर को अजमेर के राजा जयसिंह ने बनवाया था। मंदिर में हनुमान जी की पूर्वमुखी प्रतिमा, इन्हें संगानेरी गेट के भीतर रक्षक की तरह स्थापित किया गया है। आइए मंदिर की खासियत जानते हैं, क्या है मंदिर की खासियत। यह बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मंदिर को दो
मंजिला बनाया गया है और बाहर से देखने के में यह महल जैसा नजर आता है। इस मंदिर में बॉलीवुड सेलिब्रिटी बादशाह बासु, एकता कपूर और शिल्पा शेट्टी, न जाने कितने लोग हनुमान जी के दर्शन करने आ चुके हैं, जैसे कि हम आए हैं। तो चलिए आगे की बात समाप्त करते हैं और कुछ दृश्यों का मजा लेते हैं। चलिए दोस्तों घर के लिए रवाना हो चुके हैं। Estás aquí.